ये रास्ते को सीधा पकड़े चले जाएंगे तो हम ये कंट्री को ही डाक जाते, सऊदी से सीधा हम जॉर्डन को पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, इस समय मैं आ चुका हूं बीच के पास में। आप जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा खाली बीच है, खुला बीच है। यहाँ पे इंजॉय करने के लिए रोज फैमिली वगैरह के साथ में लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा पास में चलता हूँ, पानी के पास में, देखेंगे वहाँ पे कैसा लग रहा है। बेसिकली इसी को बोला जाता है रेड सी। अगर दिन का सीन रहता तो दिन में जैसा आप लोग देख सकते थे कि ये जो समुंदर है, ये सी इधर यहाँ से लेके तो पूरा जॉर्डन कंट्री तक लग के है, जॉर्डन तक ये पूरा समुंदर है। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि मैं थोड़ा बहुत ये यहाँ पे दिखाया था, ये रेड सी के पास में आया था। आपको बता दूँ कि ये रेड सी जो है ये जॉर्डन से लग के है। जॉर्डन एक कंट्री है सऊदी से, ऑलमोस्ट एक 13-1400 किलोमीटर शायद पड़ता है यहाँ पे, 14-15 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। अगर बाई बस वगैरह भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी गए तो 6-7 घंटे लगता है। तो ये जो रेड सी है ये कैसा है कि सीधा जॉर्डन से लग के है, जॉर्डन से आया हुआ है। अगर सीधा हम ये जैसा ये रेड सी देख रहे हैं, जैसा ये बीच है, अगर इसको सीधा पकड़े पकड़े भी चले जाएंगे, खैर जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर इस ये रास्ते को सीधा पकड़े चले जाएंगे तो हम ये कंट्री को ही डाक जाते, सऊदी से सीधा हम जॉर्डन को पहुंच जाएंगे। तो और भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ का सीन दिखाता हूँ, इसके पहले थोड़ा बहुत मैं दिखाया था जैसा। देखिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है ये एक चौपाटी है, चौपाटी यहाँ पर जैसा अपने इंडिया में भी देखने को मिलता है चौपाटी, तो यहाँ पर भी लोकल फूड्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे जो भी जैसा लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो भी लोकल फूड्स वगैरह है अपना मस्त यहाँ पे इंजॉय करके जाते हैं लोग। पीछे मेरे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जैसा रेगिस्तान जैसा दिख रहा, तो खैर ये रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान है यहाँ पे, अगल बगल बहुत प्लेसेस है, लेकिन ये जो प्लेस है ये बीच के पास में है, बिल्कुल बीच से लग के है और अच्छा प्लेस है। यहाँ पे इवनिंग को लोग इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, माइंड रिलैक्स करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट लगातार यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलते रहती है। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से जाऊँ नहीं, लेकिन क्या करेंगे, मुझे जाना पड़ेगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए और भरोसा रखिए मुझ पर, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के पास में लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे प्लेसेस में आप लोगों को विजिट कराऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।